कभी दिल्ली और मुंबई की लाइफलाइन रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी जिसे हम MTNL के नाम से जानते हैं, इसके हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक समय इन दोनों महानगरों में इसी कंपनी की तूती बोलती थी। लगभग हर दूसरे घर में इसी कंपनी का टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था। ब्रॉडबैंड से लेकर के मोबाइल कनेक्शन तक में इसी सरकारी कंपनी का बोलबाला था। लेकिन सेवाओं में लापरवाही की वजह से ये कंपनी जियो और एयरटेल जैसे ऑपरेटर से कंपटीशन में बुरी तरह से पिछड़ती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी करीब 32,000 करोड़ रुपए के कर्ज की दलदल में फंस गई है। ये सरकारी कंपनी बैंकों का समय पर कर्ज नहीं चुका पा रही है। ताजा मामला है सरकारी बैंक SBI से जुड़ा हुआ। SBI ने कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से MTNL के अकाउंट को सब स्टैंडर्ड NPA यानी डूबा हुआ घोषित कर दिया है। SBI ने टेलीकॉम कंपनी को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि MTNL 30 जून तक किस्त चुकाने में असफल रही है। इसके बाद 90 दिन गुजर जाने के बाद कंपनी के अकाउंट को 28 सितंबर को NPA घोषित किया गया है। साथ ही में बैंक ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी पेमेंट करने में विफल रहती है तो उसे जुर्माने के साथ ब्याज वसूला जाएगा। बैंक उन खातों को सब स्टैंडर्ड श्रेणी के NPA में रखते हैं जिनकी डिफॉल्ट अवधि 12 महीने से कम होती है और उनमें बकाया राशि चुकाने की संभावना बनी रहती है। SBI के नोटिस के बारे में MTNL ने स्टॉक एक्सचेंज में जानकारी भेजी है। MTNL को कई और बैंकों का भी पैसा चुकाना है। पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक समेत कई बैंकों ने बकाया भुगतान न करने पर MTNL के खिलाफ कार्रवाई की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बकाया भुगतान न करने पर MTNL के सभी खाते फ्रीज कर दिए हैं। लोन नहीं चुका पाने के सिलसिले में बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भी एक्शन लेने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि सरकारी कंपनी पर कार्रवाई करने वाले सभी बैंक भी सरकारी ही हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी MTNL में जून 2024 के आखिर तक सरकार की 56.25% हिस्सेदारी थी। कर्ज के बोझ को कम करने के लिए कंपनी अपने दिल्ली और मुंबई में स्थित 158 एसेट को बेचने की प्रक्रिया में है। साथ ही में कुछ प्रॉपर्टी को किराए पर देने की भी तैयारी है। SBI ने कंपनी से मोनेटाइज की जा रही प्रॉपर्टीज का विवरण मांगा है, जिसमें दिल्ली स्थित 13 एकड़ से ज्यादा की जमीन को NBCC के साथ किए गए करार का विवरण भी शामिल है। इस जमीन में रेजिडेंस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज डेवलप की जाएंगी। MTNL में साल 2019 में कुल 21,679 कर्मचारी थे। इनमें से 14,378 कर्मचारियों ने VRS यानी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। इस कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 76% कम हो गई है और अब इस संस्थान में करीब 3,000 कर्मचारी हैं। MTNL का वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा बढ़कर 3,303 करोड़ रुपए हो गया। इससे पिछले साल ये घाटा 2,911 करोड़ रुपए रहा था। साल 2023-24 के अंत में कंपनी के कुल 41 लाख यूजर्स रह गए हैं, यानी कंपनी की वित्तीय सेहत बहुत ही नाजुक है। MTNL अब BSNL की सहायक कंपनी है। BSNL ने 1 जनवरी 2021 से MTNL के नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लिया था। अब सरकार MTNL को मर्ज करने के बजाय इसे BSNL को सौंपने पर विचार कर रही है। अगर सरकार मर्ज करने का ऑप्शन चुनती है तो कंपनी को स्टॉक मार्केट में डीलिस्ट कराना होगा, यानी कि शेयर वापस लेने होंगे। ये प्रोसेस काफी मुश्किल भरा साबित होगा। लोन डिफॉल्ट करने की खबरों से 7 अक्टूबर को MTNL के शेयर में हमने जबरदस्त गिरावट देखी और ये 52 रुपए के स्तर पर आकर बंद हुआ। इस आधार पर कंपनी का मार्केट कैप 3,280 करोड़ रुपए है, जबकि इससे करीब 10 गुना कर्ज का बोझ है। ब्याज पर ब्याज लगकर कर्ज की रकम लगातार बढ़ती भी जा रही है और इस संकट से कंपनी कैसे बाहर निकल पाएगी, ये बड़ा सवाल है।